हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग। तो फ्रेंड, ये कन्नू ने बनाए आज चिकू के इतने सारे, सौरू के इतने सारे छोटे, और इसने बनवाए आराम से बैठ के। पर निकालेंगे तो पता है बहुत दर्द होने वाला है इसके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि आज अगर बाल इतने झड़ रहे हैं ना, मतलब वो ऑयल लगा रही थी तब तक ठीक था और अब वापस वैसे ही झड़ने चालू हो गए। महीने डेढ़ महीने पर मैंने ऑयल छोड़ दिया था बीच में लगाना, तो ये देखो ऐसे निकल रहा है। और ये क्या बता रही थी मैं, पहले बाल डाल के आपसे कूड़े में फिर वो संडे था तो कूड़े वाले भैया नहीं आए और हमारे घर में इतना कूड़ा इकट्ठा हो रखा है देखिए यहाँ पे, क्योंकि वो किट्टी पार्टी थी उस दिन का भी काफ़ी हो गया था और कल पूरे दिन का और हो गया। संडे को यहाँ पे छुट्टी रहती है कूड़े वाले भैया की, वो नहीं आए। और आंटी अभी सफाई कर रहे हैं यहाँ पे। और क्या बता रही थी मैं, आज मेहमान आने वाले हैं क्योंकि मेघा जा रही है अपने ननियाल, तो उनके मामों सा मामी सा आ रहे हैं। क्योंकि वैसे तो हमारे लेडीज़ वगैरह नहीं आते हैं क्योंकि मेघा दो बच्चे हैं तो अकेले गाड़ी में संभाल नहीं पाएगी, इसलिए मामी सा भी साथ में आ रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं राजस्थान, मतलब अभी जाऊँगी मैं मायके आड़सर बीकानेर, वहाँ जाके दो दिन वहाँ रुकूँगी, वहाँ पर मेरे ससुर जी मुझे लेने आएंगे, तो फिर वहाँ से फिर ससुराल जाऊँगी, फिर आगे अहमदाबाद कब जाऊँगी नहीं जाऊँगी अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। तो मैं बस अभी नाश्ता हो गया, नाश्ता अभी आज बाजार से लाया, घर पे नहीं बनाया, तो नाश्ता करते हैं। और पैकिंग हमारी कुछ हो गई है, कुछ नहीं हुई है। ये सोरू खा रहा है छोले भटूरे। तो आज सबके नाश्ते में कचौरी समोसे हैं और सोरू ने अपना मंगाया था, वो छोले भटूरे मंगाए थे, और ये है ढोकला। तो आज ये नाश्ता करते हैं, कल से फिर घर वाला नाश्ता रहेगा हमारे, आटा लगाया हुआ पड़ा है। ये मेगा बनाएगी सब्जी, तो इसके लिए गोभी और ये आलू फ्राई करके रखे हैं। और आज ही हमारे नए आंटी आए काम वाले, और ये जोगराज ने पोटी कर दी। मेगा अंदर बच्चों को दूध पिला रही है, पूरा कमरा अभी फैला हुआ है, ठीक करेंगे, पैकिंग करनी है, सबके बहुत काम है, फुल बिजी है पूरे घर वाले। तो फ्रेंड्स, मैंने मेरी और सोरू की चिकू की पैकिंग कर ली, जो हम कपड़े लेके आए थे वो पैक कर दिए, जो नए लाए हैं वो अभी पैक करने हैं, वो अभी थैलों में वैसे ही डाले हुए पड़े। और ये एक साड़ी है, इसमें ये साड़ी है, मैं आपको बाद में बताऊँगी, ये मेरी फ्रेंड है उसने भेजी है सूरत से, जो बहुत ही सुंदर है। और ये जो ऑर्गेंजा साड़ी चली वो वाली है, ये बिल्कुल लाइट वेट की साड़ी है, बहुत सुंदर है। और क्या बता रही थी मैं, हाँ आज हमारी एक नई काम वाली आई है, जो मतलब आंटी को बुलाया है, वो रुकेंगे यहीं पे, मतलब सुबह आएंगे और रात को 8 बजे तक यहीं रहेंगे। मतलब रोटी तो उनसे नहीं बनवाएंगे, बाकी झाड़ू पोछा वाले अलग है, वो बर्तन कर लेंगे, आटा लगा देंगे, सब्जी जैसे सब्जी की तैयारी कर दी, चाय वाय बना दी, बर्तन साफ सूफ, दरवाजे पूरी डस्टिंग वगैरह जो भी है वो सारा काम करते रहेंगे, क्योंकि हमें काफ़ी दिन से ढूंढ रहे थे पर मिली नहीं थी, फाइनली आज हमें मिली है भाई। तो अब ये भी नहीं पता कितने दिन रहेंगे नहीं रहेंगे, कितने दिन टिकेंगे, क्योंकि दोनों भाभियाँ बहुत बिजी रहती है बच्चों में, फिर काम भी काफ़ी हो जाता है। तो फिर पापा ने बोला कुछ टाइम के लिए रख लो, तो फिर आज नई काम वाली आई है, झाड़ू पोछा तो यही वाली आंटी करते रहेंगी। और बस मम्मी गई है मार्केट, पनीर वगैरह लाना था, तो मेहमान आ रहे थे सब्जी के लिए, और भी कुछ लाना होगा मुझे पता नहीं है। और मेरे को भी मार्केट जाना है, कि मैं पता है अहमदाबाद से रवाना हुई ना, तभी अटैची जैसे ही ली और जब राधे श्याम ने बोल दिया यार इतनी गंदी ले रखी है, नहीं इस बार तुझे नहीं दिलाएंगे। यहाँ आने के बाद मेरा यही रोज का सीन रहा था कि पापा घर में आते ही मम्मी ने बोला तेरे को नई अटैची दिलानी है, पुरानी हो गई। और अब ऐसे करते करते मेरा जाने का टाइम आ गया, और जसवंत कह रहा मैं जाऊँगा देहरादून से लाऊंगा, मैं जाऊँगा देहरादून से लाऊंगा, उसका जाना नहीं हो पाया। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मैं इस बार ही जा रही हूँ, कभी जाना हो तब ले आना, फिर पहुँचा देना, ऐसे था। फिर पापा कह रहे नहीं पहुँचाना, फिर पहुँचाना ही रह जाएगा, ये भूल जाएंगे तेरे जाने के बाद। तो जैसे भी मिल रही है 5-10 हज़ार 2 हज़ार ज़्यादा लगेंगे, पोंटा से ही ले लो। तो फिर आज हमें मार्केट भी जाना है और ये नई सूटकेस लाऊँगी, और क्या करना है, मेरे को पार्लर जाना है, आईब्रो बनवाना है। तो आज पता नहीं क्या क्या काम होएगा, क्या क्या नहीं होएगा, मार्केट तो हमारा रोज़ का काम हो जाता है, मतलब जब तक रवाना होंगी तब तक मेरा कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और बस मैं अभी नाश्ता करती हूँ, बाद में देखते क्या होगा। हाँ भू पिलाऊँगी, मैंने मेरे लिए नाश्ता लिया एक सॉरी रसमलाई लिया एक, और एक समोसा खाऊँगी, ढोकला अभी नहीं मुझे कन्फर्म नहीं है खाऊँगी नहीं खाऊँगी, और इसमें जिसको खानी है वो ले लेंगे, मैं सही से फटा नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी मटर छील रही हूँ, यहाँ पे हिमाचल में मटर मतलब आते ही रहते हैं ऐसे, बंद हो ऑफ सीजन होता ही नहीं है कभी इनका। और चिकू भी मेरे साथ मेरी हेल्प करवा रहा है, ये मतलब इसको मटर छीलने अच्छे लगता है, जब भी कोई भी मटर छीलने बैठता है ना तो चिकू साथ में आके मटर छीलवाता है।
तो फ्रेंड्स मम्मी तो मार्केट जाके आ गई और अब थक के आई क्योंकि काफ़ी सारे सब्जियां फ्रूट्स वगैरह लेके आई और धूप भी तेज है अभी और मैं जा रही हूँ पार्लर। मैंने कहा उस काम तो हो नहीं रहा अभी, सब बिजी हो रखे, मेहमान आ रहे हैं उसलिए। तो फिर मैंने कहा मैं मार्केट का मतलब पार्लर का काम करके आ जाती हूँ और साथ ही साथ आज वो काम करने के लिए आए हुए हैं। ये वाला जो जगह है ना इसको रूम बनाएंगे तो यहाँ पे कांच वगैरह ग्लास वगैरह लगेंगे और ये इसको पैक कर देंगे और ये बड़ा रूम बन जाएगा। अभी हमारे सोफे वगैरह नीचे पड़े हैं पर नए सोफे लाएंगे, नए सोफे बनवाएंगे घर पे, तो यहाँ पे सोफे वगैरह लगेंगे। ये सारा सिस्टम सामान यहाँ से हटाएंगे, ये हमारा गेस्ट रूम बनेगा। पर उस टाइम बिजी थे तो पूरा बना नहीं पाए थे, जो अब काम शुरू हो रहा है आज से। ये यहाँ तक बनेगा, ये बहुत बड़ा रूम बन जाएगा। क्या करा है, क्या खाया है इसने, कुछ थूका होगा खा के। ये देखो पीछे छुप के बैठा। तो फ्रेंड्स मेरे पार्लर का काम तो हो गया और पार्लर ज़्यादा दूर नहीं है, पर मैं आई तब से सोच रही हूँ मुझे जाना है जाना, बिंदी वहीं रह गई मेरी और बस आया ही नहीं जाता अब तक। मुझे 2-3 बार क्लीन अप करवा लेना चाहिए था पर हो नहीं पाया। और बाहर निकलते इतनी गर्मी लग गई ना, धूप आई हुई है फुल तेज, भागते जाते बस ये एक रोड क्रॉस करने। तो फ्रेंड्स आज मेहमान आने वाले हैं इसलिए 3-3 सब्जियां बनाई है। तो ये बनाए हैं बैंगन, मसाले वाले बैंगन बने हैं और ये आलू गोभी मिक्स बनी है, फ्राइड वाली मिक्स वेज बन गया, शिमला मिर्ची वगैरह मिक्स है। और ये बनाया पनीर, पनीर बहुत अच्छा दिख रहा है खाने में भी अच्छा होगा। मेगा का पनीर बहुत टेस्टी बनता है, मैं इस बार आने के बाद 2-3 बार मेगा ने बना दिया है और पहले भी वो अक्सर बनाते रहते हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो सब्जियां बन गई है, अभी मेहमानों का वेट है। तो फ्रेंड्स मेहमान आए नहीं है, 2 बज गए, 2 बजे का टाइम दिया हुआ था और सब उनका वेट कर रहे हैं, कोई खाना वाना नहीं खा रहा। और जोगराज नादो की रेडी है, उसकी मम्मी की तैयार हो गई है। हाँ सो जाओ, कुछ नहीं। और इधर इनकी पैकिंग अभी भी चल रही है, बच्चों की दवाइयाँ वगैरह उसमें डाल रही है, कपड़े डाल रहे हैं, मेगा अभी रेडी हो रही है। हाँ दो सुबह जल्दी ले हो जाते हैं। हाँ सो जाओ, कल बुआ पानी लेके आ रही है, फिर पानी पिला के सुलाएंगे। तो हम उनका वेट कर रहे हैं, वो आ जाए उसके बाद ही सब खाना खाएंगे। सो जा निंदी ले ले, चिकू सो जाएगा, चिकू ने खाना खा लिया, अब चिकू अच्छा बच्चा बन के निंदी ले रहा है, मेहमान आएंगे तो बीच में परेशान नहीं करेगा। सो गया, सच में सो गया। हाँ नींद आ गई चिकू को, तो पेट दिख रहा है चिकू का, नींद आ गई। कराटे पांडा कैसे मारता है कराटे कैसे मारता है, एक बार कराटे मार के बता बदमाश राधेश्याम है, राधे तो देहरादून आयो है राधेश्याम तो। अरे बस 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 चिकू बस भले हो गई चाल जी, कच्चा लाग रहा है केला तो मुझे। अलग टाइप की आज प्रियंका ने बनाई ये सब्जियाँ, मटर वाले बैंगन पर रियल में खाने में बहुत टेस्टी है। नमकीन वगैरह गड़बड़ी तो बोल एक नमकीन, कल फिर हम तेरे को ले लेंगे वहीं से। कल आएगा, कल
बैठो थोड़ा सा, नहीं आप कल बोल के फिर ले जाते ही नहीं, लेके जाएंगे लेके जाएंगे, मैं वापस आके ले जाऊंगा। अरे ऐसा मारो कोई काम पड़े मेरा। मायरो भरण आए सूट बहुत सुंदर है। और मैंने खर्चा बहुत ज्यादा कर दिया तो फ्रेंड्स मेघा के मामूस और मामीस आए जिन्होंने बहुत सारा खर्चा, फ्रूट्स भी लाए, सबके कपड़े भी लाए, बच्चों के चॉकलेट्स वगैरह भी लाए, और सबसे बड़ी जिद सोरू की रही कि उनके साथ ही जाना क्योंकि उनका बेटा आया था ना साथ में तो वो इसका फ्रेंड बन गया था। टिको लाल लाग रही बन काड़ो लाग रही है। जोगलास तो जा रहा है, तो नानी घर जा रहा हूँ कह अरे धासा कौन जाओ धासा कौन तो फ्रेंड्स मेघा जा रही है ननिहाल, मतलब इनके मामूसा मामूसा की शॉप है यहाँ पे हरियाणा में पेवा जगह है, वहाँ पे इनके मिठाई का बिजनेस है तो ये वहीं रहने के लिए हफ्ते 10 दिन के लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मेघा और बच्चे चले गए तो इतना खाली लग रहा है ना क्योंकि उनके जाने के बाद राजवीर था वो सो गया था और वो दोनों बच्चे चले गए तो घर एकदम से खाली लगने लग गया था। और फिर दादी सा भी मुझे पैसे दे रहे थे क्योंकि मैं भी कल या परसों में निकल रही हूँ इसलिए, तो फिर दादी सा ने मुझे 500 रुपये दिए क्योंकि कपड़े वगैरह मैं वैसे तो मैंने बहुत सारे लिए पर उनको ये रहता है कि मेरी तरफ से कुछ नहीं दिया तो उन्होंने मेरे को और अनु को दोनों को 500 रुपये दिए। और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और देखो रात अभी हमारे मार्केट का काम बाकी है, थोड़ा सा बाकी है बस, वो मेरे को करना है जाने से पहले। अब देखियो ये इसी ब्लॉग में तो नहीं कर पाऊँगी, नेक्स्ट ब्लॉग में देखना आप।